नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्सम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर आपके पीसी का कॉन्फ़िगरेशन लो है, लो एंड पीसी है, तब भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के वीडियो में आपको एक बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं। इस एप्लीकेशन के अंदर आप बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो, अपना लोगो लगा सकते हो और भी बहुत सारे काम आप इस एप्लीकेशन में कर सकते हो। ये पूरी तरह से फ्री है, यानी एक साल तक आपको कोई पैसा नहीं देना है। आप बिल्कुल मुफ्त में इसे यूज कर सकते हो। कौन सा है वो एप्लीकेशन, ये जानने के लिए हमें जाना होगा अपने पीसी पर। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए चलते हैं अपने पीसी पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, आपको उस लिंक पर क्लिक कर देना है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, आप mobizen.com की इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। mobizen एक कोरियन कंपनी है और ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, यानी आपको कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो mobizen को यूज करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पर हमें गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर साइन अप कर लेना है। इनकी जो टर्म्स कंडीशन है, इन्हें हमें यहाँ पर टिक करके एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आप अपनी किसी भी जीमेल आईडी से यहाँ पर साइन इन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपकी YouTube की Gmail ID हो, कोई भी Gmail ID हो, उससे आप यहाँ पर साइन अप कर सकते हो। मैं इसे लॉग इन कर लेता हूँ। ये आपका लॉग इन हो गया। mobizen को साइन अप करने के बाद जब आप लॉग इन करोगे तो इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है एड अकाउंट का। एड अकाउंट पर आपको क्लिक करके जिस अकाउंट पर आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। YouTube का ऑप्शन आ रहा है, ट्विच का ऑप्शन आ रहा है, इसके अलावा यहाँ पर RTMP का ऑप्शन भी आ रहा है, यानी आप RTMP की को यूज करके जो स्ट्रीम की होती है वो वाला ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हो, और डायरेक्ट आप अपने YouTube से भी लॉग इन करके यहां पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। दोनों तरीके यहां आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी अकाउंट पर आपको लाइव करना है वो आप यहां पर ऐड कर लेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर एक अकाउंट को ऐड कर लेता हूं जिसपे मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला हूं, और जो मेरा यूट्यूब चैनल है, जो आईडी है, उस आईडी से यहां पर मैं लॉग इन कर लूंगा। यहां पर मैं क्लिक करता हूं और अपने यूट्यूब चैनल में लॉग इन कर लेता हूं। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो यहां पर लॉग इन हो जाएगा। यहां पर ये परमिशंस वगैरह हमें इसे दे देनी है। मैं इसे कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूं। तो अब हमारा अकाउंट यहां पर ऐड हो जाएगा। YouTube का अकाउंट यहां पर हमारा ऐड हो गया। आप देख सकते हैं ट्रायंगल गेमर करके हमारा अकाउंट यहां पर ऐड हो चुका है। इसके बाद ऐड अकाउंट पर हमें क्लिक करना है, और आप चाहो और भी अकाउंट यहां पर ऐड कर सकते हो। आप चाहो यूट्यूब का दूसरा अकाउंट ऐड करना तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमें मल्टी स्ट्रीमिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहां पर हमें RTMP का ऑप्शन मिल जाता है। जब आप RTMP पर क्लिक करोगे उसके बाद यहां पर डिस्प्ले कनेक्शन नेम आपको दे देना है। तो मैं लिख देता हूं फेसबुक। उसके बाद फेसबुक का जो सर्वर URL है उसे हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रीम की दे देनी है, पेस्ट कर देनी है। मैं यहाँ पर स्ट्रीम की को पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर सेट हो गया। उसके बाद आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। अब हमारे यहाँ पर दो अकाउंट यहाँ पर सेव हो चुके हैं, एक फेसबुक और एक हमारा ट्रायंगल गेमर। इसके बाद अगर आप चाहो तो और भी यूट्यूब चैनल यहाँ पर ऐड कर सकते हो, और एक साथ आप मल्टी स्ट्रीमिंग कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है, अब आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो स्टूडियो लिस्ट, आपको यहाँ क्रिएट पर करना है क्लिक। क्रिएट पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे टेम्पलेट देखने को मिल जाते हैं, इन टेम्पलेट्स को भी आप यूज कर सकते हो। न्यू ब्रॉडकास्ट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सिलेक्ट पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडियो नेम का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पर कोई भी स्टूडियो नेम दे देते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया टेक्नो श्याम लाइव। उसके बाद आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, आपका एक स्टूडियो यहां पर क्रिएट हो जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इस साइड आप देख रहे हो यहां पर सीन का ऑप्शन आ रहा है। जो भी सीन आप यहां पर क्रिएट करोगे वो आपके यहां पर शो होंगे। आप इसमें अनलिमिटेड सीन्स क्रिएट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है, इसका जो रेजोल्यूशन है, इसकी जो क्वालिटी है, वो 1080p फुल HD डिफॉल्ट में है। आप चाहो तो इसमें फुल HD, यहां पर ऊपर आप देख रहे हो यहां पर आपको HD, फुल HD और 2K का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी आप इसमें 2K में भी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। मैंने यहाँ पर फुल HD सिलेक्ट कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हो प्लस का ऑप्शन आ रहा है, इनवाइट स्पीकर। अगर आप चाहो किसी गेस्ट को ऐड करना तो सिंपल आपको यहाँ प्लस के बटन पर क्लिक करके गेस्ट को इनवाइट कर लेना है। ये जो लिंक बनेगा ये आपको अपने गेस्ट के साथ शेयर कर देना है, तो वो यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे लाइव स्ट्रीमिंग में। इसके अलावा नीचे की साइड यहाँ देख रहे हो, यहाँ से हमें सोर्सेज को ऐड करना होता है। इसके अलावा लेआउट का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। आप यहाँ पर डिफरेंट लेआउट यूज़ कर सकते हो, जैसे फ्री है, ये पूरा सिंगल है। इसके अलावा इस तरह के लेआउट, जो भी लेआउट आपको अच्छा लग रहा हो वो आप यहाँ सेट कर सकते हो। अगर आप
गेस्ट को ऐड करते हो तो इस तरह से तीनों गेस्ट का यहाँ पर शो होने लगेगा। इस साइड आप देख रहे हो यहाँ पर भी आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसी लाइव का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी लाइव स्ट्रीमिंग का प्रीव्यू यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा आप इसमें रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, आपकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होती रहेगी और रिकॉर्डिंग भी होती रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर प्लस एड ब्रॉडकास्ट सर्विस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जब आप क्लिक करोगे यहाँ से अब आप अपने चैनल को सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको एक साथ लाइव करना है या फिर कौन से चैनल पर आप लाइव करना चाहते हो। मान लो मैं दोनों पर एक साथ लाइव करना चाहता हूं तो यहां पर मैं यूज पर क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा यहां पर ऐड हो गया। इसके अलावा फेसबुक पर करना है तो यहां पर भी मैं इसे यूज पर क्लिक करूंगा तो अब आप यहां पर देखोगे तो हमारी जो ब्रॉडकास्ट है वो यहां पर ऐड हो चुकी है। इस तरह से आप यहां पर ऐड ब्रॉडकास्ट सर्विस कर सकते हो। तो जब भी आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है आपको इसे इस साइड कर देना है इस तरह से, तो ये लाइव स्ट्रीमिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। और मान लो आपको अगर कोई ऑफ करनी है, मान लो ये वाली लाइव स्ट्रीमिंग हमें ऑफ करनी है और ये फेसबुक वाली चलती रहनी चाहिए तो आप इनमें से यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो। लाइव के अलावा यहाँ पर चैट का एक ऑप्शन आ रहा है, चैट पर जब आप क्लिक करोगे तो जो भी आपकी चैट मैसेजेस हैं वो आपके यहाँ पर शो होते रहेंगे और चैट मैसेजेस को आप अपनी स्क्रीन पर भी शो करा सकते हो। इसके अलावा साउंड का ऑप्शन मिल जाता है आपको, इसके अंदर म्यूजिक वगैरह ऐड करना हो, साउंड इफेक्ट अगर ऐड करने हो तो वो भी आप कर सकते हो। कुछ इसके अंदर आपको फ्री में मिल जाएंगे, बाकी आप चाहो तो अपने भी साउंड इफेक्ट इसके अंदर यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर लेआउट का ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया, उसके अलावा यहाँ पर इमेज का ऑप्शन मिल जाता है, कुछ इमेजेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, बाकी आप अपनी कोई इमेज ऐड करना चाहो तो ऐड इमेज पर क्लिक करके वो आप लगा सकते हो। इसके अलावा यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अगर आपको टेक्स्ट वगैरह लिखनी हो तो यहाँ से आप इस तरह की टेक्स्ट लिख सकते हो और टेक्स्ट के अंदर भी बहुत सारी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे एडिटिंग के। इसके अलावा जैसे दूसरा ऑप्शन ये आ रहा है, फिर ये ऑप्शन आ रहा है, इस तरह से यहाँ पर आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। इसके अलावा नीचे ऑप्शन आ रहा है बैनर का, इसमें आप बैनर भी ऐड कर सकते हो, इस तरह के बैनर यहाँ पर प्रीबिल्ड बैनर यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा आप चाहो तो और भी बैनर अपनी तरफ से यूज कर सकते हो। ऐड स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है, इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो किस तरह से बैनर आपको डिजाइन करना है, कलर वगैरह फॉन्ट वगैरह सारे चेंज करके इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ब्रांड का, अगर आप अपना ब्रांड वगैरह यहाँ पर लोगो वगैरह लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो अप्लाई ब्रांड का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन रखना चाहो, कलर वगैरह चेंज करना चाहो तो वो आप यहाँ पर इस तरह से कर सकते हो। इसके अलावा बैकग्राउंड इमेज अगर आपको यहाँ पर ऐड करनी है तो ये जो बैकग्राउंड इमेजेस आपको यहाँ पर बहुत सारी मिल जाती हैं, इनमें से कोई भी बैकग्राउंड इमेज भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप अपना लोगो ऐड करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर मोबी जैन का लोगो आ रहा है, आप चाहते हो कोई लोगो ना आए तो यहाँ पर डू नॉट यूज पर क्लिक करोगे तो ये लोगो यहाँ से हट जाएगा। और अगर आपको कोई अपना लोगो यूज करना है, मान लो ये लोगो मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ तो अपना लोगो भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैं कोई भी लोगो यूज नहीं करने वाला हूँ। इसके अलावा लोगो की जो पोजीशन है, जैसे हमने ये लोगो ऐड कर दिया, लोगो की पोजीशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, आपको इस साइड रखना है, आपको नीचे रखना है या इस साइड रखना है, आप इसकी पोजीशन भी सेट कर सकते हो। तो फिलहाल कोई भी लोगो हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे आ रहा है ओवरले, यहाँ पर आप ओवरले भी सेट कर सकते हो। जैसे ये जो रेड कलर का ओवरले आ रहा है, आपको अगर इसे चेंज करना है तो यहाँ से आप ओवरलेज भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके अपने कुछ ओवरलेज हैं तो प्लस के बटन पर क्लिक करके उन्हें भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ये तो हो गए इसके सारे फीचर्स। अब हम यहाँ पर एक ब्रॉडकास्ट सेट करके आपको दिखाते हैं कि कैसे हमें यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग करनी होती है। तो यहाँ पर आप नीचे की साइड देख रहे हो, यहाँ पर एक प्लस का बटन आ रहा है, प्लस के बटन पर आपको क्लिक करना है। अब अगर आपको कैमरा ऐड करना है तो कैमरा का ऑप्शन आ रहा है, मोबाइल कैमरा अगर आपको यूज करना है तो वो भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो, माइक्रोफोन, शेयर स्क्रीन अगर आप किसी स्क्रीन को शेयर करना चाहते हो तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। तो सबसे पहले मान लो कोई वीडियो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, वीडियो पर हम क्लिक करेंगे तो कोई भी वीडियो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। मान लो मैंने एक वीडियो यहाँ पर ऐड कर दी तो जो वीडियो हम ऐड करेंगे वो हमारी यहाँ पर नीचे की साइड में दिखाई देने लगेगी। तो यहाँ पर हमारा वीडियो ऐड हो गया, उसके बाद प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे और अब हम अपना कैमरा ऐड कर लेंगे। कैमरा पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कौन सा कैमरा है हमारा, C922 ये कैमरा हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कैमरे के अंदर भी आपको कई सारी सेटिंग देखने को मिल जाएंगी। अगर आप बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हो तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपका जो वेबकैम है उसकी बैकग्राउंड यहाँ पर इस तरह से रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा ब्लर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हमारी जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगी, आप देख सकते हो इस तरह से बैकग्राउंड को आप ब्लर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक फेस ट्रैकिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, अगर आप फेस ट्रैकिंग को ऑन कर दोगे तो जहाँ पर भी आप अपना फेस लेके जाओगे तो कैमरा अपने आप इस तरह से जूम करेगा। जैसे मैं इधर उधर अगर मूव करा रहा हूं
तो हमारा जो कैमरा है हमारे चेहरे के हिसाब से इधर उधर मूव हो रहा है, तो ब्लर पर हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे। हमारा कैमरा आप देख रहे हो, हमारा कैमरा अभी नीचे यहाँ दिखाई देने लगा, हमारी वीडियो यहाँ पर दिखाई देने लगी है। इसी तरह से प्लस पर क्लिक करके आप अपना माइक्रोफोन ऐड करना चाहो तो यहाँ से आप माइक्रोफोन ऐड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक शेयर स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अगर आपको स्क्रीन शेयर करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको क्रोम टैब यहाँ पर शो करनी है तो क्रोम टैब यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा विंडो पर क्लिक करोगे तो जो भी विंडो आपको सिलेक्ट करनी है वो आप यहाँ शो कर सकते हो। इसके अलावा एंटायर स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, अगर आपको पूरी स्क्रीन ही यहाँ पर अगर शो करनी है तो वो भी आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर विंडो वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मान लो ये वाली विंडो मैं यहाँ पर शो करना चाहता हूँ तो इसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद शेयर पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी स्क्रीन भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारे ये सारे सोर्सेज हमने ऐड कर लिए हैं। उसके बाद अब हम सीन क्रिएट करेंगे। तो सीन के लिए क्या करना होगा, मान लो ये वाली वीडियो है, इस वीडियो को हमें ऐड करना है सीन के अंदर, तो सिंपल आपको इसे उठा के यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो आप देख रहे हो ये हमारी जो वीडियो थी यहाँ पर आ चुकी है। अब वीडियो को आप अपने हिसाब से यहाँ पर रिसाइज कर सकते हो, जैसे भी आपको साइज क्रिएट करना हो, फुल स्क्रीन करना है, किस तरह से करना है वो आप यहां से कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा एक सीन यहां पर क्रिएट हो गया। सीन इस साइड दिखाई देगा, आप देख सकते हो सीन वन, ये हमारा सीन वन क्रिएट हो गया। उसके बाद इसी तरह से सीन टू हम क्रिएट करेंगे, यहां पर प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आप कोई भी सीन दोबारा से क्रिएट कर सकते हो। मान लो मैं यहां पर अपना ये प्रेजेंटेशन यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, प्रेजेंटेशन मुझे यहाँ शो करनी है तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा इसे। तो यहाँ पर मान लो ये वाली हमारी स्क्रीन यहाँ पर आ गई, इस स्क्रीन को हम इस तरह से यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरा वेबकैम भी शो हो, तो वेबकैम को उठाकर मैं यहाँ पर लगा दूंगा तो वेबकैम भी हमारा यहाँ पर शो होने लगेगा, और इसको हम रिसाइज भी कर सकते हैं। मान लो ये वाला लेआउट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर इस तरह से हमारी जो स्क्रीन है वो शो हो रही है और यहाँ पर हमारा वेबकैम शो हो रहा है। अब यहाँ पर मान लो आपको कोई टेक्स्ट ऐड करनी है, कुछ लिखना चाहते हो तो टेक्स्ट पर क्लिक करो। उसके बाद कोई भी टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट करके, जैसे ये यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये टेक्स्ट हमारी इस तरह से ऐड हो चुकी है। इसके अलावा मैं यहाँ पर चाहता हूँ बैनर लगाना, तो नीचे यहाँ बैनर का ऑप्शन आ रहा है, बैनर पर आप क्लिक करो। कोई भी बैनर यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, अपना भी कोई बैनर बना सकते हो। तो मान लो मैं यहाँ पर एक बैनर लगा देता हूँ, जैसे ये वाला बैनर है मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो मान लो बैनर को ऐड करना है, सिंपल ये बैनर हमारा यहाँ पर इस तरह से आ गया और आप यहां पर इस बैनर को इस तरह सेट कर सकते हो। उसके बाद हम यहां पर एक तीसरा सीन क्रिएट करेंगे, प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे और तीसरे सीन में हमारा केवल वेबकैम हम शो करना चाहते हैं, तो तीसरे वाले सीन में हम यहां पर अपना वेबकैम ऐड कर लेते हैं। अब हमारे यहां पर ये चार सीन क्रिएट हो चुके हैं। अब जब लाइव स्ट्रीमिंग आप कर रहे होगे उस समय आप बहुत ही आसानी से इन सीन को चेंज कर सकते हो। मान लो मैं ये वाला सीन शो करना चाहता हूँ तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये सीन आपका यहाँ पर शो होने लगेगा। लेकिन इस समय आप देख रहे हो जब हम सीन को चेंज कर रहे हैं तो इनके बीच में कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हो ट्रांजिशन इफेक्ट का ऑप्शन भी हमें यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करो और यहाँ से आप ट्रांजिशन सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी ट्रांजिशन आप लगाना चाहो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो मान लो ये वाला ट्रांजिशन हमने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद अब हम पहला सीन सिलेक्ट करेंगे तो आप देखोगे अब हमारा सीन इस तरह से सिलेक्ट होगा। जब हम लाइव करेंगे तो हम यहाँ से इसे प्ले करेंगे तो ये वीडियो यहाँ पर प्ले होने लगेगी। यहाँ पर ये सारा सेटअप करने के बाद अब आपको लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करनी है। उसके लिए यहाँ पर लाइव पर जाना है और यहाँ सिलेक्ट कर लेना है किस चैनल पर, कहाँ पर आप लाइव करना चाहते हो। मान लो मैं इस चैनल पर लाइव करना चाहता हूँ ट्रायंगल गेमर पर, तो मैं यहाँ पर इस साइड इसे सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद स्टार्ट ब्रॉडकास्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट ब्रॉडकास्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख रहे हो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है और लाइव स्ट्रीमिंग का ये जो प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से आपको अपनी वीडियो को प्ले कर देना है। ये वीडियो हमारी यहाँ पर प्ले हो चुकी है, आप देख रहे हो वीडियो प्ले हो चुकी है। उसके बाद कोई सीन अगर आपको मान लो चेंज करना है, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। पृथ्वी शर्मा, तो मैं इसकी ऑडियो को मैंने इसको बंद कर दिया है। अब मान लो आपको कोई सीन चेंज करना है तो मान लो ये वाला सीन सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग में हमारा सीन इस तरह से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम में यहाँ पर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग आ गई है और लाइव स्ट्रीमिंग हमारी चल रही है। अब आपको यहाँ पर अगर इस लाइव स्ट्रीमिंग को एडिट करना है, अगर आपको थंबनेल वगैरह लगाना है तो वो आप यहाँ से लगा सकते हो अपने लाइव कंट्रोल रूम से। सारी सेटिंग जैसे हम नॉर्मली करते हैं वो सारी सेटिंग आप यहां से
कर सकते हो। 1080p क्वालिटी में हमारी लाइव स्ट्रीमिंग आ रही है, इसे आप 2K में भी लाइव कर सकते हो। अब इस साइड हमारा चैट आ रहा है, जो भी हमारा चैट है मैं यहाँ पर कुछ मैसेजेस कर देता हूँ। यहाँ पर मान लो हमने 2 मैसेज यहाँ पर कर दिए इस चैट पर, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि जो हमारे मैसेजेस हैं वो हमारे लाइव स्टूडियो में कैसे दिखाई देंगे। तो हमने जो चैट मैसेज किए हैं वो मैसेज आपको यहाँ पर कैसे दिखाई देंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो चैट का ऑप्शन आ रहा है, ये जो चैट का ऑप्शन है इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको चैट ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे। जो हमने मैसेज किए थे वो मैसेज हमारे यहाँ पर शो होने लगे हैं। अब इन मैसेजेस को अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर मैसेज को स्क्रीन के ऊपर शो करना तो वो भी आप कर सकते हो। तो जैसे ये वाला मैसेज मैं यहाँ पर शो करना चाहता हूँ, शो पर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आप देख सकते हो, हमारा मैसेज यहाँ पर शो हो गया, टेक्नोश्याम हाउ आर यू। इसी तरह से मान लो इसे मैं हाइड करना चाहता हूँ, फिर से हाइड कर दूंगा, और ये वाला मैसेज शो करना है तो ये वाला मैसेज शो कर देना है। जो भी मैसेज आप शो करना चाहते हो आराम से यहाँ पर डिस्प्ले पर आपका मैसेज दिखाई देगा। अब आपको लाइव स्ट्रीमिंग अगर बंद करनी है एंड ब्रॉडकास्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम वापस इसके डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पर स्टूडियो की लिस्ट में हमारा एक स्टूडियो ये शामिल हो गया है, टेक्नोश्याम लाइव। भी आपको अगली बार जब लाइव करनी हो तो आप यहाँ पर एंटर करके इसी सारी सेटिंग को यूज करके लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, बार बार आपको सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। अगर आपका लो एंड PC है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये एक बेस्ड प्लेटफॉर्म है। और सबसे अच्छी बात यह है, 1 साल के लिए आप इसे बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, लाइव स्ट्रीमिंग का ये तरीका आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।